बस तो हम आए थे यहाँ आगा खान ले इब्राहिम का टेस्ट कराने। मैंने कहा मैं यहीं से करवा लूं। इब्राहिम के पापा कह रहे रिपोर्ट जो है वो कल मिलेगी। रिपोर्ट समझे 4-5 घंटे के बाद ही चाहिए थी। फिर इस वजह से अब मैं डाउ जा रही हूँ। ईसा से मैं नहीं करवा रही क्योंकि मुझे मेरा दिल नहीं मान रहा। देखो डाउ से मैं करवाती हूँ मेरे बेटे की रिपोर्ट। और ये देखो मम्मा के साथ यही बैठी थी मेरा बेटा बैठा हुआ। तो बस डाउ से मैं करवाती हूँ। वैसे तो मेरा दिल आगा खान का ही था कि मैं यहीं से कराऊं, पर वो क्यों वो ऑनलाइन भी नहीं दे रहे खुरम रिपोर्ट? क्या कह रहे हैं? मैं वेट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे रिपोर्ट अभी चाहिए क्योंकि कल का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। तो बस चलते हैं डाओ और वहाँ से करवाते हैं। तो बस अब हम आ गए हैं डाओ इब्राहिम के टेस्ट करवाने। बस अंदर बताते हैं। तो बस इब्बू के टेस्ट मैंने करवा लिए थे। ये भी कह रहे थे कि परसों मिलेंगे, मगर मैंने इनसे रिक्वेस्ट की। मैंने कहा ऐसे तो आगा खान वाला भी जो है मुझे कल रिपोर्ट दे रहे हैं, ऑनलाइन दे रहे हैं। तो ये कह रहे कि नहीं हम ऑनलाइन कल दे देंगे। तो यहाँ पर इतने सारे पेशेंट थे, वो मैं इब्राहिम का करवा रही थी, तो वो मेरे पास आके पूछने लगे कि आपने क्या दिया क्या नहीं दिया। तो मैं सारी चीज़ें बता रही थी। तो ये भी सदका जा रही है ना करो, किसी को हेल्प कर देना, किसी को बताना। मैं उस बच्चे को यही बता रही थी कि बेटा पपीते के पत्ते का अर्थ है, नींबू डाल के, फिर एप्पल जूस है, अनार का जूस अगर कहीं से मिल जाए तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं से कोशिश करूंगी कि मैं इब्राहिम को अनार का जूस पिला सकूं, क्योंकि आपको पता है कि मैं बड़ी केयरिंग माँ हूँ। और मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि मेरे बेटे को कहीं से भी ढूंढ कर अनार का जूस पिलाऊं। बस अभी चलते हैं इसकी मेडिसिन लेके, मैं फौरी तौर पर इसको मेडिसिन दूँ क्योंकि हाँ यहाँ पता करें, यहाँ पता करते, यहाँ नहीं होगा तो फिर हम आगा जूस जाएंगे। आगा जूस पे तो है इब्बू। और मेरा शेर देखो माशाल्लाह इब्बू, ये मेरा शेर है, मेरा शेर, मेरी जान। तो इंशाल्लाह ये जो टेस्ट करवाए हैं रिपोर्ट स्लिप इब्राहिम के पापा के पास है, और फामा को भी देखो। इब्राहिम के पापा इब्राहिम की ईसा वाली जो रिपोर्ट थी वो लेने गए थे, जूम करके मैंने आपको दिखाया। बस वो आ रहे हैं बेटे की रिपोर्ट लेकर। ये फातिमा देखे आगे आ गई, ये तो शरारत। मेरा बेटा देखे पीछे लेटा हुआ है। ये लाइट चलाती हूँ, असल में पता ही क्या बेआरामी इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। थक जाता है मेरा बेटा ना, इसमें रेस्ट ज्यादा से ज्यादा करवाना है। बस आ गए फातिमा के बाबा और फातिमा इतनी हैप्पी हो गई। ले आए रिपोर्ट को रंग आ गई रिपोर्ट। आपके मैंने वीडियो में लिया से भागते हुए आया, रिपोर्ट आ गई है। बस भाई मम्मा लेके आ चुकी है पिलाव वगैरह, और फातिमा भी आ गई। इतना लेट हो गए फातिमा आप हैं? कहाँ? ट्यूशन नहीं गई थी आप? गई थी, टीचर ने कहा आ चुकी है कल से। क्या हुआ इसके टेस्ट का? इसके टेस्ट करवाए लेट इसलिए हो गए, इसके बाल कटवाए। अच्छा हाँ, अरे वाह इब्राहिम बाल वगैरह टाइट कर लग रहे माशाल्लाह। तो बस इसका टेस्ट तो हो गया। तो मम्मा कह रही थी रिपोर्ट जल्दी नहीं दे रहे थे डॉक्टर, मतलब जो ईसा लेबोरेटरी और आगन वाले रिपोर्ट जल्दी नहीं दे रहे थे। तो मम्मा ने करवा लिए, कल इंशाल्लाह मिल जाएगी, ऑनलाइन रिपोर्ट आ जाएगी। तो बस इसका फोन नहीं निकल रहा था, अम्मा कह रही है निकल गया लेकिन अब। अबे यार रो रहा है भाई। मैं रोया नहीं, अच्छा चुपन हूं। चलो बस चाहिए कुछ नहीं होता। तो बस ये खाना खाते हैं हम लोग। ब्लैंकेट नहीं मिली थी, ब्लैंकेट खो गई थी। अच्छा जी, वो ढूंढने में देर हो गई हमें। खैर वो बस अभी खाना खाते हैं, और पिछला जो व्लॉग है ना वो एंड नहीं करा है अभी तक, वो एंड करके एडिट करके अपलोड करना है। तो बस भाई खाना हमने खा लिया था, और जो बाल मैंने बहुत बड़े हो गए लग रहा होगा आपको। तो बस मैं सेटिंग करवा के आता हूँ फौरन यहाँ से, और यहाँ से सेटिंग करवानी है। इब्राहिम सो गया और पानी के केन भी लाने। इब्राहिम यहाँ सो रहा है तो वो उसको सोने ही देते हैं। मल आते चलें फिर बाल भी कटवाते हैं और पानी के केन भी लेके आते हैं। भाई जैसा कि आप देख रहे हैं नया चेहरा सामने आ गया है, हम लोग इंसान बन चुके हैं। ट्रिमिंग करवा ली है मैंने, और मम्मा से पूछते हैं कैसी लग रही है। मम्मा कहाँ हैं? मम्मा आ रही हैं तो पूछते हैं कैसी लग रही है बाल, क्योंकि पूछने बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा। भाई अब मम्मा का रिव्यू क्या है वो मम्मा खुद बताएंगे आपको। मुझसे रिव्यू मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। यार मम्मा ट्रिमिंग ऐसी होती है, ट्रिमिंग किसी को कहते हैं? मैं देख रही हूँ अपना सभा का जहाँ मम्मा सही है बाल टाइट ऐसे कर दो टाइट। नहीं अच्छे लग रहे ना? नहीं नहीं अच्छे लग रहे, वरना ये गलत बात है।
आप छोटे हो अभी, आप बाल नहीं बढ़ाओ। तो बस भाई बाल हमारे हो गए, पैसे नहीं। तो मम्मा अभी भूख लग रही है कुछ खाने का, जूस ठंडा पीने का दिल चाह रहा है कुछ। पहले खाना खा लो, कोल्ड ड्रिंक पिला दे, कोल्ड ड्रिंक एप्पल जूस बना दे। हाँ एप्पल जूस बना दे। तो बस हम लोग एप्पल जूस पीने में खाना खाते हैं। कंप्यूटर पे बैठा हुआ है भाई मैं। बस भाई मैं उठ गया तो मम्मा ने बनाना और मिल्क दिए, मैं तो मम्मा भी खा रही है। मम्मा पता नहीं इतना सारा खाना दिया है, हेल्दी फूड है मेरा बेटा। बस मैं अभी ये खाता हूँ और हमें जाना है और रास्ते बंद ना हो जाए इसलिए हम लोग जल्दी कर रहे हैं। जैसे बेटा मैंने कहा जल्दी खा लो, मैं बस ये खाता हूँ। टिब्बू को भी यही दिया, पामा को भी यही दिया, और आज का दिन आपको पता है क्या क्या है? क्या वो नेक्स्ट व्लॉग में डालोगे? तो फिर वो देखने के लिए आपको कि क्या है तो कल का व्लॉग लाजमी। तो बस ये भी खाते हैं खाने के बाद आपसे। तो बस मैं अम्मी के घर आ गई थी, बिलाल को आज बहुत तेज बुखार है। इधर आ गया वहाँ वॉश में, इसका चेहरा देखो, और खुर्रम को इतनी ज़्यादा इसकी टेंशन हो गई। तो मैंने कहा चलते हैं और इसके लिए फ्रूट्स लेके जाऊँ, क्योंकि फ्रूट्स खाएगा तो इसके अंदर ताकत आएगी। तो बस मैं इसके लिए ले आई थी फ्रूट, इसके फेवरेट, इसको पीच भी पसंद है, ग्रेप्स भी, बनाना भी, एप्पल भी। तो रूबी इसको बनाना, ये एप्पल का जूस लेमन डाल के देना है और ये पीच और बनाना का भी इसको देना है। बाकी ये रूबी ने आज माशाल्लाह से बनाया है, आज ऑर्डर था इन लोगों के किचन में माशाल्लाह। तो बाकी ऑर्डर चला गया बेटा, बड़े ज़बरदस्त चले गए। अगर आप लोगों को भी ऑर्डर देना हो तो वो आपको बिलाल का इंस्टा की मेंशन कर देंगे। इस तरह आप अपने यूट्यूबर से भी मिल सकते हैं और आप ऑर्डर बिल्कुल वो मैं अहमद से कहूँगी कि मामू जान के इसके बताए कि कहाँ ऑर्डर दें और किस तरह। तो बड़े मज़े के खाने बनाता है, जब तक ये पाकिस्तान में आप दे सकते हैं, ये एक महीना ही है। तो बस आपसे ऐसे ही बने रहें। हाँ मम्मा पापा तबीयत सही है? भैया कहाँ गए? कहाँ गए? आपको पता है भैया के सब्सक्राइबर कहते हैं मोहम्मद, बहुत प्यारा बच्चा है। मम्मा ने जैसा आपको बताया था अम्मी के वहाँ गए थे, तो बस अब घर जाने की तैयारी है। मामी भी उठ गई, हेलो अम्मी, अम्मी भी उठे हैं। तो ये सीन हुआ, मेरी चप्पल कुत्ते लेके भाग गए थे। डॉग्स लेके भाग गए थे मेरे को। ठीक है अल्लाह फिर। तो बस अब घर जाना है और वहाँ पे असल में रास्ते बंद थे। क्या? अच्छा तो बस हम चलते हैं। असल में वहाँ के रास्ते बंद थे ना, फामा भी उठ गई है। तो वहाँ के रास्ते बंद थे तो अभी जाके खुले होंगे, तो इसलिए हम लोग सुबह सुबह जा रहे हैं। नमाज मैंने भी पढ़ ली, पापा ने भी पढ़ ली, सब ने पढ़ ली है। तो बस हम लोग आपसे घर चल के मिलते हैं। हम लोग घर आ गए थे और इब्राहिम की तबीयत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई है बिल्कुल, और हम लोग बस डायरेक्ट घर पर आ गए। मुझे नींद आ रही थी, बस मैंने कहा बस जल्दी सेंड करें और अपलोड करते हैं ब्लॉग। और फामा भी यहाँ पर खड़ी हुई, अभी ग्रेप्स खा रही थी। और मम्मा आप बताएं। बस मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों की दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा इब्राहिम पहले से बहुत बेहतर है और माशाल्लाह माशाल्लाह जो आज की बुक रिपोर्ट आई है वो जो इब्राहिम के प्लेटलेट से वो 1,03,000 अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। आप लोगों की दुआएं ऐसी ही बनी रहेगी तो इब्राहिम के अब 50,000 बाकी है, 50,000 और हो जाएंगे तो इब्राहिम बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो आप लोगों ने ऐसे ही अपनी दुआ बनाए रखनी है मेरे इब्राहिम के साथ, मेरे जिगर के टुकड़े के साथ। ये देखो माशाल्लाह, अल्लाह इसको नज़ले बस से बचाए। 10वां दिन है पूरा मेरे बच्चे की बीमारी को, के बड़ा हिम्मत वाला मेरा बेटा है और बाबा की जान है। तो बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखे। अल्लाह ने मेरे इब्राहिम को नई जिंदगी दी है। जब इसके प्लेटलेट्स कम आए थे ना, उस वक्त डॉक्टर ने कहा फौरी तौर पे जाए इसे एडमिट करें। बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा बहुत बेहतर है अल्लाह के फजल से। तो बस अपनी दुआओं में याद रखें, पेरेंट्स के रिस्पेक्ट, उनका ख्याल, उनसे प्यार, उन्हें वक्त लाजमी दें, नमाज की पाबंदी करें। आप कुछ कहोगे? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। बस मेरे बेटे ने कहा है ना तो आप कर दें। और, और, और।